व्यापारी बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विद्युत व्यवस्था अतिक्रमण महानगर में जाम की समस्या सहित व्यापारियों की अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई, जिस पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, वाणिज्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन विनय कुमार गौतम, ओंकार यादव सहित कई विभाग के अधिकारियों व व्यापारी मौजूद रहे। तो सड़क की सबसे सड़क ही वहाँ की सबसे बड़ा जद्दोजहद था कि बन जाए, तो एक बहुत बड़ा कार्य हो गया जिसकी डिमांड कर रहे थे वो लोग। मैं पिछली बैठकों में रहा हूँ, आप याद कहिए कि ये था कि साहब ये सड़क बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिजली के खंभे जर्जर हो गए दुबली चौक के पास, टैंकिस के लिए इसमें एक तो विद्युत विभाग से आप हैं जो हमारे नगर में जर्जर तार थे, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 करोड़ रुपए का बीच में किया है, अभी 11 करोड़ रुपए करीब 7.5 करोड़ रुपए सर फिर से घोषणा की 7 तारीख को, हाँ उसी के अंतर्गत ये कार्य किया सर, ये कार्य है उसमें सम्मिलित है। उसमें 3 पॉइंट थे सर हमारे की जो जर्जर तार हैं और थेफ्ट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे एवी केबल लगाई जाए, मतलब बंच कंडक्टर ताकि कोई ऊपर से टकेट डाल के ना संभाल कर। 1000 पोल पूरा होना है सर, 1000 पोल का टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया है, आशा है कि इसके 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 मिनट्स में ये लिख रहे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बीच में भी रुपया 11 करोड़ की परियोजनाएं नगर निगम एरिया के लिए लॉन्च की गई हैं, उनमें मानिए कि टोटल 20 खर्च होना होगा तो कम से कम 11 करोड़ रुपए में जो जर्जर तार है परिवर्तित हो जाएंगे, तो शीघ्र ही अगला समय के साथ पूरी हो जाएगी। सर इस विषय में भी हाँ जो नए पोल लगाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, उससे तारों पे लोड और खंभे पे लोड पड़ा है और वो तुरंत बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। अच्छा ये विश्वभर पांडे जी हैं, एमपी नहीं है, ये कौड़ीराम बाग